नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव यादव। इस समय हम मौजूद हैं अशोक नगर की कृषि उपज मंडी में और हमारे साथ गेहूं के फेमस व्यापारी निखिल जैन जी हैं। तो इनसे जानेंगे कि मंडी में इस समय कितनी आवक हो रही है और गेहूं के क्या दाम चल रहे हैं, साथ ही आपको बताएंगे आगामी भविष्य में गेहूँ की दामों की क्या स्थिति रहने वाली है। पहले तो आपका मार्केट टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गेहूँ की इस समय कौन कौन सी गेहूँ की आवक हो रही है और कितनी आवक हो रही है? देखिए, हमारे यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा जो शरबती गेहूँ, जिसको हर्षिता और शरबती जो होता है, वो सबसे ज़्यादा आ रहा है हमारे यहाँ पर। और भी कई क्वालिटी है, 37, 40, 15, 44 ये आ रहे हैं। कुल मिलाकर टोटल आवक अगर हम मानेंगे यहाँ पर तो 20,000 बोरे, 15 से 20,000 बोरे के आसपास आवक होगी यहाँ पर गेहूँ की। इसमें जो अलग अलग क्वालिटी वाली गेहूँ है, कौन से गेहूँ का क्या दाम चल रहा है अधिकतम? जैसे 15-44 गेहूँ होता है, ये डुप्लीकेट शरबती बोलते हैं, इसका लगभग भाव होगा ये मान लीजिए चलिए 2600 रुपये से 2800 रुपये तक। और फिर जो मील क्वालिटी है और दूसरे गेहूँ जो आते हैं वो इससे नीचे बिकते हैं। 37-40 भी लगभग इसी तरह का है, जो 2600 रुपये, 2500 रुपये से लेकर 2700-2800 रुपये तक बिकता है। हर्षिता की बात करें जो इससे ऊपर की क्वालिटी होती है, जो मिनी शरबती जिसको बोलते हैं, वो आती है 2800 रुपये से 3200 रुपये तक। और शरबती जो अच्छी सुजाता जिसको बोला जाता है 306, वो बिक रहा है अभी 3300 रुपये से लेके 4000 रुपये तक। अच्छा, तो इनकी अलग अलग आवक की बात की जाए तो शरबती सबसे अधिक आती है, कौन सा सबसे अधिक गेहूं? शरबती सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, आप 50% शरबती मान के चलिए। अच्छा। 50% शरबती ही आ रहा है, उसके अलावा बाकी 50% में बाकी अन्य है, जिसमें 37-40, 15-44 का परसेंटेज होगा लगभग 25% के आसपास टोटल आवक। तो गेहूँ के भाव को लेकर क्या कहेंगे, आगामी समय में क्या स्थिति रहने वाली है? गेहूँ के अभी अच्छे खासे भाव मिल रहे हैं किसान को, और कुछ आगे आगामी वर्षों में जैसे थोड़ा सा आगे थोड़ा समय आएगा तो थोड़ा और सुधरेगा और बाजार उसमें, तो ये मान के चलिए आवक का भी, कि शादियों की वजह से आवक कम आ रही थी, अब आवक का प्रेशर रहेगा सभी मंडियों में, तो इसमें अभी इस महीने मंथ में कुछ भाव 100 रुपये कम होना चाहिए, बाकी आगे उसके बाद जून के जैसे मॉनसून आता है, अभी जो महीना चल रहा है इसमें कम होने की उम्मीद है, इसमें कम होने की उम्मीद है, उसके बाद फिर जून में जब मॉनसून आकर चालू हो जाएगा तब फिर इसमें तेजी आएगी। अच्छा, शरबती गेहूँ सभी प्रकार सभी में आई, इसमें शरबती में कितनी तेजी मान सकते? शरबती अभी बहुत अच्छा खासी तेजी में बिक रहा है ऑलरेडी, तो ज्यादा तेजी की उम्मीद तो नहीं कर सकते, 100-150 रुपये, 200 रुपये का तेजी का। अच्छा, इससे पीछे की बात की जाए तो इससे पहले जब जैसे सीजन शुरू हुआ उस समय नया गेहूँ आना शुरू हुआ, उस टाइम क्या स्थिति थी, कितनी आवक हो रही थी, भाव क्या था उस टाइम? उस टाइम पे शरबती का भाव जो था वो 36-37 रुपये ऊपर में था, अभी भाव सभी चीज़ों के बढ़ चुके हैं कुछ दिनों से, और आवक जो थी वो कम आ रही थी क्योंकि शादियों का सीजन और मंडी की छुट्टियाँ बहुत पड़ रही थी उस कारण से, और चुनाव के कारण से भी आवक कम थी, अब भाव भी अच्छा है और आवक भी अच्छी है। तो जैसे आप बता रहे हो कि जैसे आगामी दिनों में इसके भाव कुछ और बढ़ जाएंगे, तो अगले महीने की बात कर रहा हूँ, नहीं उस समय आवक कितनी रहेगी? आवक कम हो जाती है जैसे मॉनसून आने के इस महीने मंथ में, आप उसके बाद पर आवक मान के चलिए आधी हो जाएगी, 10,000-12,000 बोरी की आवक हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब किसान क्या वजह है, किसान जब दाम बढ़ने की उम्मीद रहती है जब कम हो जाता है, सीजन पर ये, क्योंकि देखिए किसान को शादियों के लिए माल बेचना था अपना, और फिर एक समय आता है हर किसान नहीं रख सकता स्टोर में, सबको पैसे की जरूरत। उत्पादन कैसा हुआ, क्या लगता है? इस बार उत्पादन बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है हमारे यहाँ की गेहूँ की, अपने जो एरिया में जितना भी गेहूँ आ रहा है उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखी है, कई किसानों के द्वारा बताया जाता है कि इस बार जो बाहर की कंपनियाँ खरीदनी आती थी वो कंपनियाँ इस बार नहीं आई, तो कुछ किसानों के लिए इससे लॉस हुआ है, कम दाम मिले हैं, क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ ज़्यादा लॉस हुआ है, भाव अच्छा मिल रहा है सभी जगह पर। कंपनियाँ आती थी स्टॉक के लिए, इस बार स्टॉक पर थोड़ी सी शक्ति है सरकार की, जो मुझे लगता है, ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी शक्ति है, इस कारण से लोग जो हैं वो खासतौर पे कंपनियां वो स्टॉक के लिए कमाई हुई हैं, व्यापारियों का रुझान स्टॉक की तरफ है, वो जा रहा है व्यापारियों का, हाँ उनको ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद है, मुझे पर्सनली नहीं, लेकिन अच्छी तेज़ी अगर आती है तो फ़ायदा दोनों का ही है, किसान व्यापारी दोनों का ही है। बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।